हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजू और आप देख रहे हैं इनक्यूबेटर रिसर्च चैनल, जिसमें मैंने जो हैचरी से सीखा है वही आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, इनक्यूबेटर में कितने दिन तक के पुराने अंडे रख सकते हैं? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या फिर उससे ज़्यादा दिन के? आपके दिमाग में फौरन जवाब घूम गया होगा, 5 दिन, क्योंकि आपको अक्सर यही बताया जाता है ना कि 5 दिन तक के पुराने अंडे आप इनक्यूबेटर में रख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी चूजा ना निकला तो आप क्या करेंगे? किसका कसूर होगा, इनक्यूबेटर का, बताने वाले का, या फिर फर्टाइल ना फर्टाइल अंडे का? तो इनक्यूबेटर के लिए ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है, अगर आप एक सफल इनक्यूबेटर बनाना चाहते हैं तो। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं तो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आप किस तरह से पुराने अंडे से भी चूजे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि आप अपने इनक्यूबेटर में कितने दिन के पुराने अंडे रख सकते हैं। दोस्तों, जो अंडे होते हैं यह डेट और टाइम पर नहीं निर्भर होते हैं, ये निर्भर होते हैं आपके स्टोर पर और उसके टेम्परेचर पर, जहां आप इनक्यूबेटर में रखने से पहले अंडे को इकट्ठा करके रखते हैं। आप जितने ज़्यादा टेम्परेचर पर उनको स्टोर करेंगे उतने ही जल्दी आपको इनक्यूबेटर में रखने होंगे, यह बात आप अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा। आप जितने कम टेम्परेचर पर स्टोर करेंगे आप उतने ज़्यादा समय तक अंडे को स्टोर करके रख सकते हैं, अंडे ख़राब नहीं होंगे। समझने के लिए बता दूं कि जैसे कुछ बर्ड हैं जो सिर्फ 2 से 4 अंडे दे करके अपने घोंसले पर अंडे सेने के लिए बैठती हैं, और कुछ बर्ड हैं जो 10 अंडे से ऊपर दे करके अपने घोंसले पर अंडे सेने के लिए बैठती हैं, जैसे मुर्गियाँ हैं, बतख हैं। ये लगभग 10 अंडे देने के बाद कुड़क लेती हैं, यानी हैच के लिए तैयार होती हैं। अब 10 अंडे देने के लिए उनको समय लगता है लगभग 15 दिन से ऊपर। अगर आप मुर्गियां या बतख का पालन करते हैं तो यह बात आपको अच्छे से मालूम होगी। कुछ बर्ड हैं जो 2 दिन अंडे देने के बाद 1 दिन का स्पेस करती हैं, और कुछ बर्ड हैं जो 3 दिन अंडे देने के बाद 1 दिन का स्पेस करती हैं। हम अंडे सेने वाली बर्ड की बात कर रहे हैं, ना कि उन खास नस्लों की जो अंडे नहीं सेती हैं, सिर्फ अंडे देने का काम करती हैं। तो जो पहले अंडा दिया हुआ होता है वो अंडा 15 दिन से ऊपर का हो जाता है और फिर भी उसमें से चूजा निकलता है, ये आपको अच्छे से मालूम भी होगा। और अंडे देने के बाद उसे ढकने की भी कोशिश करती हैं, ऐसा क्यों? आप सोच रहे होंगे कि उस पर किसी की नज़र ना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसे ढकने की कोशिश इसलिए करती हैं ताकि उस पर सीधे सूरज की रोशनी ना पड़े और उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने ना पाए और अंडे ख़राब होने से बचे रहें, इसलिए उसको ढकने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, वीडियो के नीचे थम्स अप के निशान होंगे, आप उन्हें उल्टा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, यानी कि मेरा इशारा है लाइक डिसलाइक का। तो हम बात कर रहे थे अंडे को स्टोर करने की। आप अंडे को जिस जगह पर स्टोर करते हैं, चाहे वो आपका रूम हो, हॉल हो, कमरा, कोठरी, जो भी हो, जहाँ पर आप अंडे को इकट्ठा करके रखते हैं, वहाँ के टेम्परेचर पर, जिस रूम में आप अंडे को स्टोर करके रखते हैं वहाँ का टेम्परेचर अगर 5 से लेकर 20 सेल्सियस तक है तो आप अंडे को लगभग 15 दिन तक हैच के लिए तैयार रख सकते हैं, यानी आपका अंडा 15 दिन तक भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप 5 से लेकर 20 सेंटीग्रेड तक रखते हैं तो, अगर 5 डिग्री से टेम्परेचर कम हो रहा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अंडे के अंदर का जो सफ़ेद और पीला भाग होता है वो कठोर होने लगता है और उसका फर्टाइल नष्ट होने लगता है, इसलिए फ्रीजर में रखने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आपके कमरे का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में है और आप वहाँ पर अंडे को स्टोर करके रखते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 7 दिन तक ही रख पाएंगे, उसके आगे रखने की कोशिश करेंगे तो अंडे को ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आपके रूम का टेम्परेचर 30 से 40 सेंटीग्रेड तक है तो आप अंडे को ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन ही रख पाएंगे, उससे ज़्यादा रखने पर अंडा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अगर दिन में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है और रात में कम हो रहा है तो एक बार जब अंडे का फर्टिलाइजेशन एक्टिव हो गया तो फिर उसको ज़रूरत होती है सही टेम्परेचर की। अगर उसको सही टेम्परेचर मिल रहा है तो उसके अंदर का चूजा धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है, और अगर उसको सही टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी, यानी अंडा ख़राब हो जाएगा। और एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप अपने इनक्यूबेटर में 1 दिन का अंडा भी नहीं रखना है, कम से कम उसको 24 घंटे का समय ज़रूर दे देना चाहिए, क्योंकि जब बर्ड अंडे देती है तो उस वक्त अंडा गर्म होता है और उसमें एक हलचल सी होती है जिसको स्थिर होने में कम से कम 24 घंटे लग जाते हैं। जब कोई बर्ड अंडे देती है तो वह भी 24 घंटे के बाद ही अंडे पर बैठती है।
भले ही हम चूजे निकालने के लिए टेक्निकल सहारा लेते हैं, लेकिन उसमें सारा खेल होता है प्राकृतिक का, यानी कि जो कुदरत का निजाम है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अंडे को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं।